हेलो एवरीवन, IndianMoney.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को रोज़ देखें, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ नया लेकर आते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से। और जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप इस बात को अपने ध्यान में ज़रूर रखें कि आपको वीडियोस शुरू से लेके अंत तक देखने हैं, ताकि आपको जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर आप आधा देखेंगे या थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये पूरा टॉपिक क्या है, या आपका जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर्स सही तरीके से नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है वीडियो को पूरी तरह से देखना। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपको कोई क्वेरीज़ है, या आपके पास और टॉपिक्स है, या फिर आप चाहते हैं कि हम कुछ नई चीज़ें लेकर आए, जैसे कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, या कोई लाइव सेशन हो गया, या जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आप हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि हम वो नई चीज़ें जो है आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने प्रोग्राम में। और ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी नोट के साथ मैं आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि आपको लोन अमाउंट बैंक से, जो अलग अलग किस्म के लोन हम बैंक से उठाते हैं, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, जैसा भी लोन जो भी हम बैंक से उठाते हैं, वो कितने अमाउंट में होना चाहिए, कितना हमें लेना चाहिए, और हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना हमें बैंक दे सकती है। तो ये है आज का विषय और इसी पे ही हम आज फोकस करेंगे। आजकल हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के, वो बड़े बड़े अमाउंट के लोन उठा रहे हैं बैंक से और फिर चुका नहीं पाते, डिफ़ॉल्टर्स हुए जा रहे हैं। लेकिन इससे जो है एक रॉन्ग मैसेज भी सोसाइटी में फैल रहा है बहुत जगह कि अरे मैं तो अगर ये ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ, बैंक मुझे बहुत बड़े अमाउंट का लोन दे सकती है, मेरी भी एलिजिबिलिटी इनसे शायद थोड़ी सी ही कम होगी या इनके बराबर की होगी। ऐसी चीज़ें लोग जो है हमारे आमतौर पर लोग सोचने लग गए हैं कि बहुत आसान हो गया है बैंक से लोन लेना और बड़े बड़े अमाउंट लेकर हम डिफ़ॉल्टर भी बन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना सोचें या ऐसा कुछ प्लान ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं ऐसा कुछ सोच कर या ऐसा कोई कदम उठाकर। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इसलिए हमने खास करके ये टॉपिक चुना ताकि हम आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकें कि लोन एलिजिबिलिटी कितनी होती है और कितना लोन आपको बैंक से लेना आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले या इसका जो मेन टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, एक ज़रूरी टिप देना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जितने भी लोन्स हैं, वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एसेट लोन, जो भी लोन आपने मान लीजिए ले रखा है, सब कुछ मिला के आपका जो ईएमआई बनता है महीने का, महीने की जो ईएमआई बनती है, जो इंस्टॉलमेंट बनता है, वो आपके मंथली इनकम का जो 60% होता है, इतना ही होना चाहिए, 60% या 60% से कम। उससे ज़्यादा अगर आप लोन के ईएमआई की तरफ भर रहे हैं अपने मंथली इनकम में से, तो आप ये जान लें कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सही नहीं है, वो थोड़े से थोड़ा डावाडोल में है, वो करेक्ट नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मंथली इनकम का 60% से ज़्यादा सब कुछ मिला के लोन अमाउंट का ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त जो है वो स्टेबल नहीं है, और ये हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप जो हाई कॉस्ट लोन्स हैं उसको आप बंद कर दें। अगर आपके पास गोल्ड है या प्लॉट है या किसी और तरीके का एसेट है, उसको आप बेच के, गोल्ड को हम फिर से ये सलाह नहीं करते कि आप गोल्ड को मॉर्गेज रखें या उसके बदले में आप उसको गिरवी रख के उसके बदले में आप लोन लें, ये बिल्कुल ना करें। लोन अगर गोल्ड है तो गोल्ड को आप बेच दें, या कोई प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसको आप पहले बेचकर जो है अपने हाई कॉस्ट लोन्स को बंद करें,
करें, उसके बाद आप दोबारा से फ्रेश सीरीज से आप सेविंग्स कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन अपने हाई कॉस्ट लोन जो हैं वो आप बंद कर दें। तो इस बात का ध्यान रखें कि 60% से ज़्यादा लोन अमाउंट में ईएमआई में आपका जो है वो जाना नहीं चाहिए। फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है इस पॉइंट का वो ये है कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका आपके जो टोटल लोन्स का जो ईएमआई बनता है, सारे लोन्स को पुट टुगेदर करके जो आपका ईएमआई बनता है वो आपके मंथली इनकम के 60% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 60% मैक्सिमम है, उसके अंदर रहना चाहिए, तो आप तभी भी थोड़े से सेफ पोजिशन में आप होते हो। उससे ज़्यादा हुआ तो आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ होम लोन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है होम लोन। होम लोन जब आप लेते हैं तो होम लोन का जो की जो एलिजिबिलिटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम के 3 to 4 times मल्टीपल में 3 to 4 times जो है आपके आपका एनुअल इनकम का जो है आपको बैंक लोन देती है। अगर उदाहरण लेना हो तो मान लीजिए आप आपका जो एनुअल इनकम है वो 1 lakh है, तो बैंक आपको 3 to 4 times ऑफ 1 lakh मतलब 3 to 4 lakh रुपए जो है बैंक आपको लोन देती है। तो हमें पता है कि हम कुछ 15% 20% डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 85% तक या बहुत सारे केसेस में आजकल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो 85-90% तक भी लोन जो है आपको दे देती है। तो होम लोन का जो है इस तरह से होता है काम, इस तरह से वो ऑपरेट करती है कि आपको वो जो है 3 to 4 times ऑफ योर एनुअल इनकम आपको वो लोन अप्रूव करते हैं। ये हो जाता है होम लोन। सेकेंड होता है कार लोन। तो कार लोन जब आप ले रहे होते हो या लेने वाले होते हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आपका जो कार का जो वैल्यू है, ये मैंने डिटेल में एक और वीडियो में बताया था कि आपके कार का जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू आपके कार का है वो, मतलब आप जब कार चुनने वाले होते हो तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके कार का जो वैल्यू है वो आपके इनकम पूरे 1 साल का जो नेट इनकम है, पूरे 1 साल का जो टेक होम इनकम है उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है वो आपके पूरे 1 साल के नेट इनकम से ज़्यादा वैल्यू कार का नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कॉस्टली कार में जाते हो तो फिर आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस वाला सिचुएशन अराइज होता है जिसको कि हैंडल करने में आपको फिर से मुश्किलें आएंगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कार वैल्यू आपके पूरे 1 साल के नेट इनकम को एक्सीड ना करे। और कार लोन जो होता है वो आपको 70-75% ऑफ द कार वैल्यू जो है आपको मिलता है। 70-75% तक पूरे कार का जो वैल्यू है उसके 70-75% तक जो है कंपनीज आपको, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको जो है कार लोन देती है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन लेते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ईएमआई आपकी बनेगी वो 5 to 6 months के इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 to 6 months का जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका पर्सनल लोन ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी फाइनेंशियल जाल या ट्रैप में फंसने से अपने आप को बचा सकते हैं। और फोर्थ होता है एजुकेशनल लोन्स। तो एजुकेशनल लोन जो होता है वो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं बात कर सकते। हम एक दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कैलकुलेशन के साथ कि किस तरह से आप एजुकेशन लोन को वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन का जो ईएमआई वगैरह रहेगा वो पूरी तरह से आप जिस करिकुलम को चुन रहे हैं उसके ट्यूशन फ़ी वगैरह के हिसाब से बनता है। तो उस बात का भी आप इस बात का बस ध्यान रखें कि ये 4-5 तरीके के जो लोन्स हैं सारे लोन्स को मिलाकर जो आपका टोटल ईएमआई है वो 60% से ज़्यादा आपके
नेट मंथली इनकम का बिल्कुल ना हो. अगर ऐसा इतना आप कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने से ज़रूर बचा सकते हैं. तो अगर आपको अपने लोन्स को मैनेज करने के लिए या आपको किसी भी तरह के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए अगर आपको थोड़ा भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे फ्री एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर पर एक मिस्ड कॉल देने से बिल्कुल ना झिझके. हमारा नंबर आप नोट करें 02261816111. आप इस नंबर पर हमें सिर्फ एक मिस्ड कॉल दें और आपके ज़रूरत के हिसाब से वो लोन हो या वो कोई और इन्वेस्टमेंट सेविंग्स या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, हमारे वेल्थ डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके आपका कॉल रिटर्न करके आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको पूरा गाइडेंस देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे. और मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पर कॉमेंट्स करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें. सावधानी बरतें, अमीर बने. थैंक यू.